नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, हो जाइए, आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती ना करें। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपने थोड़ी सी भी इस वीडियो को छोड़ दिया या बीच की कोई बात आपने ध्यान से नहीं सुनी तो आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, अभी के अभी लिख दीजिए, दोस्तों जाए बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आपका पर्चा बागेश्वर धाम सरकार ने निकाला तो बागेश्वर धाम सरकार भी चौंक उठे, क्योंकि ऐसा प्रचार उन्होंने आज तक किसी का नहीं निकाला। और मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों आइए बिना देर करते हुए आखिर जान लेते हैं कि आखिर वह कौन से दुश्मन है जिनका नाम पर्चे में निकला है। हमारे जीवन में कई ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा, लेकिन कई बार हमारा फैसला सही होता है और कई बार बहुत ज्यादा बेकार निकलता है। हमारे जीवन में हमारे जो मित्र होते हैं, जो करीबी शुभचिंतक होते हैं, वो घर के सदस्यों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि हम हमारे घर वालों को वो बातें नहीं बताते जो हम हमारे दोस्तों को दिल खोल के बता देते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में हमें हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ये बात आपको नहीं पता हो सकती, क्योंकि हर कोई आपका भला चाहता है, हर कोई आपका अच्छा चाहता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सच्चाई अब बागेश्वर बाबा के परिचय में आ गई है। कई ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई पर बुराई करते हैं। ऐसे मित्र भी हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ऐसे घर के सदस्य भी हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, या आप सभी के सामने काफी मधुर व्यवहार करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे और मान लीजिए इन्हें मौका मिल गया तो इस मौके का ऐसा फायदा उठाएंगे कि अपना सारा दोगलापन निकाल देंगे। ऐसे जो दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, ऐसे जो अपने होते हैं, ये दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जिंदगी का एक नियम है कि अगर कोई इंसान आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे, बहुत ज्यादा तलवे चाटे, बहुत ज्यादा आपकी प्रशंसा करे तो ज्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि मानव का स्वभाव होता है कि जब कोई तारीफ करता है तो हम तो एकदम छोटा कर खुश होने लग जाते हैं कि यह तारीफ हो रही है। लेकिन जो इंसान आपको आपकी कमियां बता रहा है, जो इंसान आपको आपकी खामियां बता रहा है, वास्तविकता में वो आपका सच्चा हितैषी है, क्योंकि उसे पता है ये कमियां अगर आप में रही तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, वहां पर आपकी ये कमी दिक्कत दे सकती है तो वो उसे दूर करने का प्रयास करेगा। वही आपका परम मित्र है, वही इंसान आपके आगे बढ़ने की कामना करता है। बाकी सब तो मौत की माला झप रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है और किसी को भी अपने गुप्त राज या सीक्रेट बात नहीं बतानी है। देखिए, जिंदगी में हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, खासतौर पर आपकी राशि के जातक तक ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, या भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये वादे तो करते हैं कि हिम्मत बहुत ज्यादा है और बहुत बढ़िया सामना करेंगे, लेकिन जब परिस्थिति उन पर टूटती है तो बिखर जाते हैं। ऐसे कई लोग दोस्त तो हमारे जीवन में होते हैं, तो आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि एक तो हमें किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है और अपने गुप्त राज्य किसी को नहीं बताने हैं, क्योंकि आगे चलकर सब कुछ सही रहेगा। इस बात की क्या कोई गारंटी है? आगे चलकर जरूर आपके रिश्तों में खटास आएगी, कभी तो ऐसा मोड़ आएगा कि आपकी उनसे नहीं बनेगी, आप सोच की लड़ाई हो जाएगी, कभी तो ऐसा आएगा। दोस्तों, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो छोटी सोच के होते हैं, वो उस समय बदला लेने के लिए क्या करते हैं, आपके विश्वास को तोड़ते हैं और आपकी गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक कर देते हैं। गलती किसकी थी? आप ही की थी, क्योंकि आपने अपने राज्य दुनिया वालों को बताए, अब कर कौन क्या रूप दिखा दे ये तो कहा नहीं जा सकता। आगे वीडियो में है बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां और अंत में हम आपको देने वाले हैं बहुत जरूरी उपाय, तो हमारा थोड़ा सा और साथ दीजिए और कृपया करके वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब हम मित्रता किसी से जोड़ रहे हैं, जब हम रिश्ता किसी से जोड़ रहे हैं, तो अपने बराबर के लोगों से बनाना चाहिए। अब आपके समझ नहीं आ रहा होगा, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपने बराबर के लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा तो वह जो रिश्ता है वह खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अवस्था में धनवान तो बहुत खुश होता है कि यार मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं कि धनवान उसके काम में उसकी मदद करेगा या मदद आएगा। ऐसे लोगों की पहचान करके आपको उनसे दूर रहना चाहिए।
कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो एक बहुत अमीर या बहुत बड़े घर के व्यक्ति को भी आपको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है, दोस्तों की आपसी तुलना जब होगी तो आपका दिल दुखेगा या उसका दिल दुखेगा। आपके विचार आपस में नहीं मिलेंगे, आपकी बॉन्डिंग आपस में नहीं मिलेंगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए धीरे धीरे दुश्मन बनने लगेगा। अब मान लीजिए आप धनवान हैं और आप किसी गरीब व्यक्ति का साथ पकड़ते हैं तो कहीं कहीं पर उसको ऐसा लगेगा कि आप उस पर दया दिखा रहे हैं। आप भले अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप बड़ा दिल दिखाकर सब कर रहे हैं, आप उसके पैसे दे रहे हैं, आप उसको घुमा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर उसे लगने लग जाएगा कि तू होता कौन है मुझे सहारा देने वाला, मैं अपना सब कुछ देख सकता हूं। और यही चीजें रिश्तों को बिगाड़ती हैं, यही चीजें दोस्ती को बिगाड़ती हैं, दुश्मनी को पैदा करती हैं। वह व्यक्ति आपकी मौत की माला झपना शुरू कर देता है। तो चीजों को समझने की जरूरत है, हर चीज के पीछे प्रैक्टिकल कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो भी घटना घटित होती है, जो भी परिस्थिति बनती है, उसके पीछे कारण होता है, लेकिन मनुष्य है कि रोता है, धोता है और उस कारण को नहीं पहचानता। निस्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा है वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपके जीवन की मंगल कामना कर रहा है। अगर कोई मित्र संकट में है, बीमारी में है, दुश्मन के हमला करने पर राज दरबार में, श्मशान में आपके साथ खड़ा है तो वही आपका परम मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुरे समय में ही इंसान की पहचान होती है। अच्छे समय में तो सारे रिश्ते बरकरार है, अच्छे समय में तो सब कोई हमारे साथ हैं, लेकिन जो इंसान बुरे दौर में हमारे साथ नहीं रहता वह हमारा मित्र नहीं हो सकता, वह हमारा हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और बुरे समय में ऐसे लोगों को पहचानिए जो वादे तो बड़े करते हैं लेकिन निभाने के साथ समय पर कड़ी मान लेते हैं। विपरीत स्वभाव के अगर दो लोग हैं तो उन्हें भी आपस में मित्रता नहीं करनी चाहिए, रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। अगर रिश्ते दिखावे के होते हैं तो आप देख सकते हैं, सांप, नेवला, बकरी और बाघ, हाथी और चींटी, शेरनी और कुत्ता, इनकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। यानी कि जो दोस्ती होती है, जो रिश्ते बनते, जो मेल मिलाप होता है, वह समान सोच वाले लोगों के साथ बनता है, समान व्यवहार वाले लोगों के साथ बनता है। तो ऐसे में सज्जन और दुर्जन की दोस्ती हो ही नहीं सकती। या तो आप दुर्जन हो सकते हैं या तो आप सज्जन हो सकते हैं। सामने वाला या तो दुर्जन हो सकता है या सज्जन हो सकता है। अगर दोनों का स्वभाव समान है तो ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है तो एक बात ध्यान रखिएगा, नियम के पेड़ को आप दूध से शीर्ष दो, शक्कर से शीर्ष दो, अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति भी कितना भी आप कोशिश कर लो, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, वह कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा, कहीं ना कहीं अपना असली रंग दिखाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से जरा बचकर रहिए जो दुर्जन होते हैं। इसी के साथ दोस्तों संगत का असर मनुष्य पर सबसे ज्यादा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति, फिर चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज्यादा समय उसके साथ बिताने पर उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसीलिए जब भी आप दोस्ती कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि आपका दोस्त कैसा है, क्या वह आपकी दोस्ती के लायक है, क्या वह आपको सही मार्ग दिखा रहा है या फिर गलत शिक्षा दे रहा है। जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं दोस्तों जब हमें जरूरत होती है अपनों की, और ऐसे अपने हमेशा हमारे साथ हो, ऐसे दोस्त हमें पालना चाहिए, न कि ऐसे दोस्त जो हमें धूम्रपान की ओर अग्रसर करें, गलत दिशा की ओर बढ़ावा दें, गलत काम की ओर बढ़ावा दें, कभी हमें मोटिवेट ना करें, हमें और भी ज्यादा गिराए। ये वही लोग होते हैं जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये पिछले कई सालों से हमारे साथ होते हैं, हम इन्हें पहचान नहीं पाते। अब दोस्तों बात करेंगे आने वाले 7 दिनों की, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और बागेश्वर बाबा ने जो भविष्यवाणी करी है आने वाले 7 दिनों की, उसे जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पर्चे में लिखिए एक बात आपके आने वाले 7 दिनों में सच होने वाली है, जानकर आपको भी बड़ी हैरानी होगी। हम समझ नहीं पाते हमारा बुरा कौन चाह रहा है और घर का वही सदस्य आस्तीने का सांप बनकर हमेशा हमें डसता रहता है। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपने घर के किसी भी सदस्य से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप यूं भी ना समझे कि घर वाले समस्त आपके हित में हैं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपकी सफलता से जलता होगा। आपके घर परिवार में जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आप आपकी सफलता, आपकी हंसी रास नहीं आती होगी, उससे आपको बचना है। बाकी आपके माता पिता के अलावा ज्यादा किसी पर भरोसा ना करें।
कलयुग का दौर नतीजे ऐसे से निकलकर आ रहे हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की हो। आने वाले समय में अपने मन में दूसरों का भला सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब आप आगे रहकर किसी की मदद करने जाएंगे तो लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। कई बार बाजी उलटी पड़ जाती है, हमें किसी पर तरस आ जाता है और हम सोचते हैं चलो इसकी मदद कर दी जाए। अब सामने वाला व्यक्ति समझता है कि यह तो मेरे पर एहसान कर रहा है, जरूर इसके पीछे का कोई मकसद होगा। होगा तो भलाई का जमाना एक तरीके से खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम मदद करना लोगों की छोड़ दें। अब हमें बेसहारों को सहारा तो देना ही है। कोई रो रहा है तो उसकी समस्या पूछकर उसके आंसू तो साफ करने ही है। यही मानवता है और हम हमारा मानव धर्म नहीं छोड़ सकते। परिवार में आप किसी को सरप्राइज पार्टी दे सकते हैं और वरिष्ठ सदस्यों से आप जरूरी मामलों में सलाह मशविरा अवश्य करें। इतना ध्यान रखिए, अगर विद्यार्थियों के लिए बात की जाए, शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए, तो बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलने वाला है। आपको बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा कब मिलता है? जब आपकी परीक्षा हो जाती है या आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है,